बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये DPIT 4 semester का कोर्स है, IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट में अगर रिस्क हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है। रिस्क क्या होता है? कोई भी गैर यकीनी सूरत हाल, कंडीशन जो कि आपके प्रोजेक्ट पर असरअंदाज हो सकती है। रिस्क इज़ एनी अनसर्टन इवेंट आर कंडीशन दैट माइट अफेक्ट योर प्रोजेक्ट। कोई अनसर्टन इवेंट या कोई कंडीशन जो कि आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकती है। नॉट ऑल रिस्क आर नेगेटिव। सारे रिस्क नेगेटिव नहीं होते, कुछ आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको लॉस हो जाता है, कुछ में आपको बेनिफिट्स हो जाते हैं। सम इवेंट्स लाइक फाइंडिंग एन ईजियर वे टू डू एन एक्टिविटी। जैसे आपने कोई आसान तरीका ढूंढ लिया किसी भी एक्टिविटी को करने का। आर कंडीशंस और कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई जिससे आपके मटेरियल्स की प्राइसेस लो हो गई, लाइक लोअर प्राइसेस फॉर सर्टन मटेरियल्स कैन हेल्प योर प्रोजेक्ट। ये आपके प्रोजेक्ट में मदद कर सकती है कि ये वाले इवेंट हो गए, आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसका कोई आसान तरीकाकार आपको मिल गया, या आप जो मटेरियल रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी प्राइसेस कम हो गई हैं। When this happens, we call it an opportunity. हम इसको opportunity कहेंगे, हम इसको risk नहीं कहेंगे अगर इस तरह वाली condition happen होती है तो। But it's still handled just like a risk, लेकिन फिर भी इसको risk की तरह ही handle किया जाएगा। There are no guarantees on any project. Even the simplest activity can turn into unexpected problems. किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई गारंटी नहीं है, एक सिंपल एक्टिविटी भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकती है। एनीथिंग दैट माइट अकर टू चेंज द आउटकम ऑफ अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी वी कॉल दैट अ रिस्क। कोई भी चीज़ जब हो और आपके प्रोजेक्ट एक्टिविटी के आउटकम को चेंज कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कॉस्ट और ड्यूरेशन डिफ़ाइन की हुई है, उसका वे उसका मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है, उसकी प्लानिंग की हुई है। जब आपकी प्लानिंग के उल्ट अगेंस्ट जो है वो मामलात होना शुरू हो जाएं, कोई इवेंट अक्कर हो जाए, तो हम उसको रिस्क कहेंगे। अ रिस्क कैन बी एन इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है, लाइक अ स्नो स्टॉर्म के बर्फबारी का तूफान शुरू हो गया। और इट कैन बी अ कंडीशन लाइक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बीइंग अनअवेलेबल, कोई सूरत हाल भी है, आपको कोई चीज़ चाहिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट चाहिए जो कि आपको मिल नहीं रहा। इधर वे इट्स समथिंग दैट मे आर मे नॉट बी हैपन। और ये भी हो सकता है कि रिस्क हो भी जाए या अकर हो भी जाए या अकर ना हो, बट इफ़ इट डज, लेकिन अगर ये हो जाता है देन इट विल फोर्स यू टू चेंज द वे यू एंड योर टीम वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। तो फिर ये आपकी टीम के काम करने के अंदाज को बदल सकता है जो आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपके पास 4 basic ways हैं कि आपने रिस्क को कैसे हैंडल करना है। देर आर 4 basic ways टू हैंडल अ रिस्क। सबसे पहले आ गया अवॉइड, रिस्क को अवॉइड करें। द बेस्ट थिंग यू कैन डू विद द रिस्क इज़ अवॉइड इट। सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आप उसको अवॉइड करें। इफ़ यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग इट डेफिनेटली वॉन्ट हर्ट योर प्रोजेक्ट। अगर आप उसको होने से रोक सकते हैं तो ये आपके प्रोजेक्ट पे असरअंदाज नहीं होगा। द ईजिएस्ट वे टू अवॉइड दिस रिस्क इज टू वॉक अवे फ्रॉम द क्लिफ, बट दैट मे नॉट बी एन ऑप्शन ऑन द इस प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे यही है कि आप इसको अवॉइड कर लें, लेकिन आपके प्रोजेक्ट में ये वाला वे बेहतर नहीं है, आप ये वाला ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। मिटिगेट, आप उसको रिस्क को कम करें, उसके ख़तरे को कम करें। इफ़ यू कांट अवॉइड द रिस्क, अगर आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, यू कैन मिटिगेट इट। दिस मीन्स
taking some sort of action that will cause it to do as little damage to your project as possible. कुछ वो वाले action लें कि आपके project को कम से कम नुकसान हो, इसके ख़तरे को कम करें, इसके नुकसान को कम करें, इसके damage को कम करें. To do as little damage to your project as possible. Third इसका way है transfer. One effective way to deal with the risk is to pay someone else to accept it for you. इसका एक और बेहतर हल यही है कि आप किसी थर्ड पर्सन को इसमें ले आए, इन्वॉल्व कर लें, उसको पे करें कि वो आपके लिए इस रिस्क को एक्सेप्ट करे. द मोस्ट कॉमन वे टू डू दिस इज़ टू बाय इंश्योरेंस. आप कोई इंश्योरेंस को ख़रीद लें. लास्ट ऑप्शन इसका लास्ट वे ये है एक्सेप्ट. अब आप उसको एक्सेप्ट कर लें. अगर आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, मिटिगेट भी नहीं कर सकते, आपने ट्रांसफ़र भी नहीं किया, अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. व्हेन यू कांट अवॉइड मिटिगेट आर ट्रांसफ़र अ रिस्क देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट. बट इवन व्हेन यू एक्सेप्ट अ रिस्क at least you have looked at the alternatives and you know उसके alternatives को देखें, उसके मुतबादल्स को देखें, मतलब alternative उसके मुतबादल को देखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आप इसको accept कर भी लेते हैं तो. And you know what will happen if it occurs. और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये risk हो जाता है, ये event occur हो जाता है तो क्या हो सकता है. If you can't avoid the risk and there's nothing you can do to reduce its impact, avoid भी नहीं आप कर सकते, इसके impact को कम भी नहीं कर सकते, then accepting it is your only choice. तो फिर इसको accept कर लें जी. risk management plan आपको बनाना पड़ेगा अपने project में, project को manage करने के लिए. The risk management plan tells you how you are going to handle risk in your project. इस प्लान में आपको बताना पड़ेगा कि आपने रिस्क को कैसे हैंडल करना है प्रोजेक्ट में. इट डॉक्यूमेंट्स हो यू विल असेस रिस्क. आप इसको लिखें, इसको डॉक्यूमेंट करें कि इसको कैसे असेस किया जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, और ये कैसे होगा. आपने सारी प्लानिंग करनी है. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट एंड हाउ ऑफन यू विल डू रिस्क प्लानिंग. सम रिस्क आर टेक्निकल लाइक अ कंपोनेंट दैट माई टर्न आउट टू बी डिफ़िकल्ट टू यूज़. कुछ जो है वो टेक्निकल होते हैं, जिनको हैंडल करना, टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. अदर्स आर एक्सटर्नल लाइक चेंजेस इन द मार्केट आर इवन प्रॉब्लम्स विद द वेदर. ठीक है, कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं जैसे वेदर की कंडीशंस हैं या मार्केट में जो चेंजेस आ जाते हैं, वेदर की जो प्रॉब्लम्स हैं. तो कुछ टेक्निकल भी होते हैं जिनको आपने टेक्निकली हैंडल करना होता है जी. रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आपकी प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें शामिल होनी चाहिए. मैनेजिंग रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट्स इज़ अ प्रोसेस. जब आप रिस्क को प्रोजेक्ट में मैनेज कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेस होगा. दैट इंक्लूड्स जिसमें क्या होगा, रिस्क असेसमेंट. रिस्क को असेस किया जाएगा कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजी फॉर दोज रिस्क, और उन रिस्क के खतरों को कम करने के लिए कोई स्ट्रेटजी जो है वो आपको सोचनी होगी. रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स बोथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड एवेल्युएशन ऑफ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क. रिस्क असेसमेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो रिस्क को आइडेंटिफाई करें, उसको देखें कहाँ कहाँ कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, और फिर उनको एवेल्युएट करें. एवेल्युएट का मतलब क्या होगा कि उनकी पॉसिबिलिटी कितनी है अकर होने की, प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके अकर होने की, और अगर वो रिस्क अकर हो जाता है तो फिर क्या होगा, कहाँ हद तक उसके नुकसान होंगे. रिस्क मिटिगेशन प्लान इज़ डिज़ाइन टू एलिमिनेट एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क इवेंट्स. रिस्क मिटिगेशन प्लान का तो हमें पता ही है कि आपने रिस्क के इवेंट्स जो अकर होंगे उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है, एलिमिनेट करना है, रिड्यूस करना है. अकरेंस दैट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी प्रोजेक्ट, जो कि आपके प्रोजेक्ट पे मनफी असरात करेगा. रिस्क आइडेंटिफिकेशन और रिस्क एवेल्युएशन ये हम देखेंगे कि हमने इसमें रिस्क को असेस करना है.
A more disciplined process involves using checklist of the potential risk and evaluating the likelihood that those events might event on the project. ठीक है, आप क्या करें इस प्रोसेस में, ये डिसिप्लिन प्रोसेस है, आप चेकलिस्ट बना लें, आप कहें कि आपके प्रोजेक्ट में ये रिस्क हो सकते हैं, एक लिस्ट बना लें और उसको अवेलुएट कर लें कि मे बी ये आपके प्रोजेक्ट्स में हो सकते हैं या नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी देख लें. सम कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज डिवेल्प रिस्क चेकलिस्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट्स. इंडस्ट्रीज और कंपनीज क्या कहती हैं, अपने पिछले प्रोजेक्ट से चेक लिस्ट बना लेती हैं रिस्क की, मतलब उनका जो तजर्बा होता है, जो उन्होंने पहले प्रोजेक्ट किया था, तो वो देख लेते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट में रिस्क हो सकते हैं, उनको चेकआउट कर लें, उनको चेक डाउन कर लें. दी चेक लिस्ट कैन बी हेल्पफुल टू दी प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट टीम इन आइडेंटिफाइंग बोथ स्पेसिफिक रिस्क ऑन दी चेक लिस्ट एंड एक्सपेंडिंग दी थिंकिंग ऑफ दी टीम. ठीक है, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम के लिए रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और चेक लिस्ट बनाने में. Identifying the sources of risk by categorize is another method for exploring potential risk on the project. ठीक है, वो उसके sources देखें, categorically करें कि कहाँ कहाँ पे आपके risk हो सकते हैं, उनको categorize कर लें. Some examples of categories for potential risk include the following. टेक्निकल रिस्क होंगे, कॉस्ट के रिस्क होंगे, आपकी कॉस्ट वेरी कर सकती है, आपका टाइम टेबल, आपका स्केड्यूल, आपके क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आपका जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, जो आपके आपके ठेकेदार हैं उनके साथ आपको मसले आ सकते हैं, वेदर की कंडीशन जो है वो स्वेयर हो सकती है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, पीपल, ये कुछ रिस्क या इस सारी कैटेगरी में आ सकते हैं, इनको आपने लिस्ट डाउन कर लेना. रिस्क आइडेंटिफिकेशन में एक और तरीकाकार ये है कि रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लें. जिस तरह आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया था कि अपने प्रोजेक्ट में होने वाली एक्टिविटीज़ को एक हायरार्की ट्री में रिप्रेजेंट कर दिया था, शो करा दिया था, अब आप उसको रिस्क ब्रेकडाउन के आपने देखना है कि मेन रिस्क कौन सा है, उसके फर्दर कंपोनेंट कौन से हैं, उसकी फर्दर डिटेल क्या है. तो अ रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस द रिस्क दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इनटू कैटेगरीज यूजिंग अ टेबल विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिटेल टू द राइट. ठीक है, तो फिर आपने उसकी डिटेल में चले जाना है जो आपने रिस्क पीछे कैटेगरी के हिसाब से आइडेंटिफाई किए हुए हैं. रिस्क अवैल्यूएशन, आइडेंटिफिकेशन हो गई रिस्क की, आइडेंटिफाई हो गए, अब आपने उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है कि वो रिस्क अकर होगा कि नहीं होगा और वो कहाँ हद तक लॉस करेगा. आफ्टर दी पोटेंशियल रिस्क हैव बीन आइडेंटिफाइड द प्रोजेक्ट टीम देन एवेलुएट्स ईच रिस्क बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी दैट अ रिस्क इवेंट विल अकर एंड द पोटेंशियल लॉस एसोसिएटेड विद इट. प्रोबेबिलिटी देखनी है कि वो रिस्क इवेंट अकर होगा और उसका कितना लॉस होगा. नॉट ऑल रिस्क आर इक्वल, सारे बराबर नहीं होते, कुछ में नुकसान ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, मतलब वो वेरी करती रहती है उसकी रिस्क की कॉस्ट. सम रिस्क इवेंट्स आर मोर लाइकली टू हैपन देन अदर्स एंड द कॉस्ट ऑफ ए रिस्क कैन वेरी ग्रेटली. एवेल्युएटिंग द रिस्क फॉर probability of occurrence and severity or the potential loss to the project. ये दो चीज़ें हैं risk evaluation में, probability of occurrence and severity, कि वो risk occur होगा या नहीं होगा, उसके कितने chances है और उसकी severity कितनी होगी, वो कितना severe होगा और कितना loss करेगा. इस the next step in the process and risk management. Risk management process. Having criteria to determine high impact risk can help narrow the focus on a few critical risks that require mitigation. ठीक है जी, ये क्राइटेरिया देख लें कि कौन से रिस्क इम्पैक्ट ज़्यादा हैं और कौन से कम हैं, उस हिसाब से आप उनको उनकी मिटिगेशन कर सकते हैं.
Risk evaluation is about developing an understanding of which potential risk have the greatest possibility of occurring and can have the greatest negative impact on the project. ये आपने देखना है risk evaluation में कि कौन से risk की greatest possibility है occurring की और उसका greatest negative impact है project में. Next है जी, हम पढ़े हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. उसमें लास्ट वाला जो स्टेप है वो ये है रिस्क मिटिगेशन. आफ्टर द रिस्क हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड एवेलुएटेड, आइडेंटिफाई भी हो गया एवेलुएट भी हो गया, अब मिटिगेशन प्लान बनाए. द प्रोजेक्ट टीम डेवलप्स अ रिस्क मिटिगेशन प्लान विच इज़ अ प्लान टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. कि अब उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है, वो वाला प्लान होना चाहिए आपके पास. द रिस्क टीम मिटिगेट्स रिस्क इन वेरियस वेज, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क शेयरिंग, रिस्क रिडक्शन एंड रिस्क ट्रांसफर. ये सारे वो मिटिगेशन में कर सकते हैं. कंटीजेंसी प्लान, द प्रोजेक्ट रिस्क प्लान balance the investment of the mitigation against the benefit for the project. Investment उनको balance करना होता है, आपने mitigation पे जो invest की है और जो आपके project के benefit होंगे, कि आपका project loss में ना जाए. आप risk को manage करने में ही इतने ज़्यादा जो है वो पैसे लगा दें कि आपको project का outcome ही ना मिले, उसमें आपको कोई benefit ही ना मिले. The project team often develops an alternative method for accomplishing a project goal when a risk event has been identified that may frustrate the accomplishment of that गोल. ठीक है जी, बाज़ुकात ऑल्टरनेटिव मेथड वो अडॉप्ट कर लेते हैं जिससे वो अपने गोल की तरफ नहीं जा सकते, जो प्रोजेक्ट के लिए जिस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने शुरू किया था. दीज प्लान्स आर कॉल्ड कंटीजेंसी प्लान्स, इसको कंटीजेंसी प्लान्स कहेंगे. अब प्रोजेक्ट रिस्क को आपने फेजेस के साथ अपने प्रोजेक्ट में मैनेज करना है. Project risk is dealt with in different ways depending on the phase of the project. कि आपके project की कौन सी phase चल रही है उसमें आपने इस risk को manage करना है, उसके साथ deal करना है. अगर आपका project initiation पे है, initiation phase पे है, अभी start है, आपने देखना है कि आपने ये project करना है कि नहीं करना, आप उसको choose कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है risk के साथ. Risk is associated with things that are unknown. कि जो चीज़ें आपको नहीं पता उनके साथ रिस्क जुड़ा हुआ होता है. मोर थिंग्स आर अननोन एट द बिगनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट बट रिस्क मस्ट बी कंसिडर इन द इनिशिएशन फेज. शुरू में आपको नहीं पता, जब आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं आपके लिए चीज़ें अननोन है, लेकिन आपने रिस्क को कंसिडर करना है इनिशिएशन फेज में एंड वेटेड अगेंस्ट द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस इन ऑर्डर टू डिसाइड इफ द प्रोजेक्ट शुड बी चूजन. ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट चूज कर लिया है तो फिर आपने रिस्क को भी देखना है, उसको भी कंसिडर करना है. अगर आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में है, वंस द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड, अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, इट मूव्स इनटू द प्लानिंग स्टेज. तो अब आप प्लानिंग स्टेज में चले गए हैं. रिस्क आर आइडेंटिफाइड, अब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेना है और उसका रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेना है. कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ द डिटेल्ड रिस्क एनालिसिस. इम्प्लीमेंटेशन फेज, आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज में है. एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस एंड मोर इन्फॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल टू द प्रोजेक्ट टीम, द टोटल रिस्क ऑन द प्रोजेक्ट टिपिकली रिड्यूसेस एज एक्टिविटीज आर परफॉर्म विदाउट लॉस. अगर आपके प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं बगैर किसी नुकसान के, तो इट्स मीन कि जो रिस्क है वो काम है. द रिस्क प्लान नीड्स टू बी अपडेटेड, फिर आप रिस्क प्लान को भी अपडेट कर दीजिए विद न्यू इन्फॉर्मेशन एंड रिस्क चेक्ड ऑफ दैट आर रिलेटेड टू एक्टिविटीज दैट हैव बीन परफॉर्म्ड. ठीक है, उसको चेक्ड ऑफ कर दी जाए जो एक्टिविटीज़ के साथ आपने रिस्क जोड़े हुए थे. लास्ट फेज है आपके पास क्लोज आउट फेज. अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ड्यूरिंग द क्लोज आउट फेज एग्रीमेंट फॉर रिस्क शेयरिंग रिस्क ट्रांसफर नीड टू बी कंक्लूडेड. अब जो आपने उसके साथ एग्रीमेंट्स किए हुए थे रिस्क को शेयर और ट्रांसफ़र करने के लिए, उनको कंक्लूड करें और रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को एग्जामिन करें. एग्जामिन टू बी श्योर ऑल द रिस्क इवेंट्स हैव बीन अवॉइडेड और मिटिगेटेड, कि कौन से रिस्क आपने अवॉइड किए, कौन से काम किए.
The final estimate or loss due to risk can be made and recorded as a part of the प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन. फाइनल एस्टिमेट करें कि रिस्क की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ है, उसको रिकॉर्ड कर लें एज अ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट.